पीछे देखिए गाइस, पीछे वाली ऊंची पहाड़ियों पे आज सुबह सुबह ही स्नोफॉल हुआ है। पेड़ की टहनी टूटने की आवाज़ आई आसपास से कहीं से बहुत तेज। फिर उसके बाद अजीब सी आवाज़ आई, एक आदमी के बोलने की टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और कैंपिंग वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज की लोकेशन। पीछे देखिए गाइस, पीछे वाली ऊंची पहाड़ियों पे सुबह ही स्नोफॉल हुआ है। तो लगभग उसके बाद से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, तो विंटर आ चुका है पहाड़ियों में। और बहुत जल्दी हम एक ट्रैक पर भी जाने वाले हैं, विंटर ट्रैक पर, सामने वाली पहाड़ी पर जो सबसे ऊँचा पहाड़ देख रहे सामने, यहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो जिस इसको विंटर कैंपिंग देखना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही एक और चीज़, जो हम विंटर कैंपिंग और ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं उसकी जो रॉ वीडियो रहेगी, मतलब जो बिहाइंड द सीन रहेगा जो मैं कैंपिंग चैनल पे नहीं दिखा पाता, वो जाके आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे देख पाएंगे, जिसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लेना ब्लॉगिंग चैनल को, और वहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, ब्लॉगिंग प्लस ट्रैवल वाला, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अभी देखें, यहाँ से दिखाऊँ तो भाई क्या ही व्यू आ रहा है सामने वाली पहाड़ियों पे। सुबह सुबह यहाँ से स्नोफॉल हुआ है और मुझे जाना है, यहाँ पे जाता हूँ उस वाले टॉप पे कहीं पे। ओ भाई, बैग का साइज़ देख सकते हैं आप, क्योंकि इस बारी मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और जैकेट वगैरह, क्योंकि ठंड लग रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करने पड़ते हैं और ब्लैंकेट साथ में। और अपनी एक प्रॉब्लम और है, ये लाइट ऐसे ही जल जाती है क्योंकि इसका जो अंदर वाला रिंग है वो हो गया सूखा है फ्री, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली इसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल।
तो गाइस टेंट पिच हो चुका है और लोकेशन आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पे लोकेशन है। पीछे अभी माउंटेन क्लियर देखे जा सकते हैं क्योंकि अभी कोई फॉग वॉग नहीं आज, और ऐसे विंटर वाली फीलिंग आ रही है, ठंड भी है ठीक ठाक आज। चलो अब शाम का टाइम हो रहा है और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में चाय के साथ कैंपिंग की शुरुआत करते हैं, बढ़िया सी चाय बनाते हैं, साथ में कुछ अगर बन पाता है तो देखते हैं, कुछ अगर टाइम रहा तो बनाऊँगा। तो टेबल लगाते पहले, तो गाइस अब बनाते हैं चाय, और जिसके लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा चाय के लिए सामान सारा। और बारिश हो रही है, आज भी बारिश होने वाली है लग रहा है। तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और सर मेरा प्लान था आज कुछ चाय के साथ स्नैक्स बनाने का, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अंडे बॉईल करने पड़ेंगे, तो अंडे बॉईल करते हैं। आलू भी डालेंगे इसमें, पहले गैस लगा देते हैं। पहले अंडे बॉईल कर लेते हैं, आलू भी डाल देते हैं इसमें थोड़ा कट करके ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। आलू को थोड़ा छील लेते पहले, और आलू को बस कट करके डाल देते हैं इसमें। और थोड़ा नमक डाल देते हैं इसमें, तो मौसम अब बहुत ठंडा हो चुका है, अब मुझे जैकेट निकालना ही पड़ेगा। इस बार लग रहा है सितंबर के लास्ट तक स्नोफॉल भी हो सकती है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार ही सितंबर में स्नो कैंपिंग हो जाए। चलो अंडे तो बॉयल हो चुके हैं, इनको छील लेते हैं एक बारी। और आलू भी बॉईल हो चुके हैं, करना क्या है इसको पहले मैश कर लेना है।
चलो साथ में मसाले भी डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा सा हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और नमक। ज़्यादा ना हो जाए नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तो हो चुका है, अब करेंगे अंडे को कट। इसको थोड़ा पीछे रख देते हैं फिलहाल। अब हमें चाहिए बेसन, एंड थोड़ा कॉर्न फ्लोर। थोड़ा सा नमक डालते हैं इसमें। अब है मेन प्रोसेस, एग के ऊपर ऐसे आलू लगाना है। चलो अब कर लेते हैं इसको फ्राई ऑयल में। चलिए तो तेल हो चुका है गरम, इसको अब बेसन में डिप करके
तो ये हो चुके हैं रेडी, इनको निकाल लेते हैं। अब काफ़ी क्रिस्पी बन रहे हैं। टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया, रात ही हो चुकी ऑलमोस्ट, बट अब चाय बना लेते हैं साथ में। चाय कुछ ज़्यादा बन गई। चलो डालते इसमें चीनी। तो चाय भी रेडी हो चुकी है, अब चाय और साथ में, यार इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ, किसी को अगर पता है तो बताना। ये रही चाय और उसके साथ ये, इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। इसको अगर खाया जाए थोड़ा मेयोनीज के साथ मजा आएगा। तो गाइस टाइम 10 बजने वाले हैं और पिछले 1-1.5 घंटे से मैं यूट्यूब पे लाइव था। उस लाइव के दौरान ना एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि इस साइड से कहीं से पेड़ के टूटने की आवाज़ आई, मैंने इग्नोर किया। फिर जस्ट अभी जैसे मैंने लाइव एंड किया, थोड़ी देर बैठा था मैं ऐसे ही, फिर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई पेड़ टूटने की। तो अभी मैं एक बारी बाहर जाके देखता हूँ, साइड से आसपास कुछ हलचल हो रही है। तो गाइज़ मैं अभी चाय पीने के बाद ऐसे ही यूट्यूब पे लाइव था, उसके बाद जब मैं लाइव था उस टाइम पे भी एक आवाज़ सी आई थी पेड़ टूटने की, फिर जैसे एंड किया तो उसके बाद इस साइड से कहीं से और पेड़ की टहनी टूटने की आवाज़ आई आसपास से कहीं से बहुत तेज। फिर उसके बाद अजीब सी आवाज़ आई, एक आदमी के बोलने की टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन पता उसके बाद आसपास में
सब कुछ। अचानक से आवाज़ शांत हो गई तो मैं देख रहा हूँ बाहर पे शायद कोई जानवर हो, क्योंकि कोई बड़ा जानवर ही हो सकता है जो इतनी बड़ी टहनी तोड़ सके। तो ज़्यादा दूर तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि भाई सेफ्टी ज़रूरी है। और वो आवाज़ आई यहीं यहीं कहीं से, बस बगल से ही आई, बहुत तेज़ आवाज़ थी। हो सकता है भालू हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे, पर ज़्यादा बाहर जाना सेफ है नहीं। चलो वापस से टेंट के अंदर घुसते हैं। चलिए तो गाइस, चलो शायद से कोई जानवर होगा, शायद अभी भाग चुका होगा, यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना भालू हो सकता है। तो मुझे भालू से लगता है भाई बहुत डर, क्योंकि सबसे ख़तरनाक जानवर वही है। चलो वापस से अब डिनर बनाते हैं। डिनर में यार भूख तो लगी नहीं, क्योंकि बहुत आज जो अपना शाम का जो चाय के साथ स्नैक्स था वो काफ़ी हैवी था, तो जिससे भूख तो लग नहीं रही है। फिर भी बनाए लेते हैं कुछ। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एक नया डिश है ना, तो चलिए बनाते हैं। पहले सामान ज़रा निकाल लेंगे, उसके लिए चाकू चाहिए मुझे, एक प्लेट और सब्जी कैप्सिकम निकाल दें एक बारी। तो मैंने कहीं पे एक वीडियो देखी थी जिसमें एक डिश देखी थी मैंने, वो मैं आज ट्राई कर वही चीज़ मैं आज ट्राई करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए कैप्सिकम। कैप्सिकम को क्या करना पता है, बस इसको ऊपर से काट लेना है। ऐसे, और अंदर से ही सारा निकाल लेना है, इसके बीज और एक्स्ट्रा सारा। अब चाहिए इसमें हम डालेंगे अंडे, डालेंगे इसमें मिर्च, मिर्च थोड़ा कम क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी भी डाल देते हैं क्योंकि हल्दी ज़रूरी है, और नमक। साथ में दो हरी मिर्च, ये हो गया मिर्च, इसको डाल लेते हैं, और साथ में काट लेते हैं प्याज भी। काफी है, अब इसको कर लेते हैं बड़ी मिक्स। अंडे कम ना पड़ जाए, अब इसमें कैप्सिकम में एक भरना, एक टा
टास्क है, बड़ा मुश्किल टास्क। देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। इसके साथ एक दिक्कत और है कि इसका कैप कौन सा है भाई। चलो ये तो आ जाएगा, ऐसे ही सारे एक बार ही भर लेता हूँ मैं। फिर इस पर क्या करना है पता है, इसको बिल्कुल क्लोज करना है। मैं बाहर से कुछ कांट ले आया हूँ, इसको बिल्कुल सील कर देंगे। ऐसे ये रेडी है, इसको सेम वही कोने से। ऐसे एक और, अब एक पैन ले लेते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा तेल। थोड़ा ही ढलान में हो गया जिसकी वजह से भाई तेल बीच में नहीं रह पा रहा है। अब डालते हैं इसके ऊपर से कैप्सिकम। भाई यार ये रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, थोड़ा डर लग रहा है मुझे। ऐसे ही इसमें टिका के रखना पड़ेगा इनको। और ऊपर से थोड़ा नमक, अब इसको ढक देंगे और ये बन जाए यार। दस मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं क्या ये खाने लायक बने होंगे। मुझे लग रहा है जल न गए हों, फिर भी हाँ लग रहा है अंदर अंडा सेट हो चुका है और जले तो नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी इसको निकाल के प्लेट में। चलो अभी देखते हैं निकाल के क्या हाल है इनका। यार दिखने में तो सही है, देख सकते हैं आप, ये बढ़िया है। इनका ढक्कन ही निकाल लेते हैं एक बारी। हाय साहब, बहुत ही गर्म है।
चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। इसमें डाला जाए थोड़ा सीजवान चटनी। देख सकते हैं आप गाइस, सच बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी इसका टेस्ट इतना सही रहेगा। आप भी ट्राई करना और एक बारी बताना कैसा इसका टेस्ट रहता है आपका। तो ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका है, बट अगली बार ना मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करूँगा कुछ और ट्विस्ट के साथ। भाई मज़ा आ रहा है सच में। तो बढ़िया से डिनर के बाद अभी सोते हैं क्योंकि नींद खतरनाक आ रही है, क्योंकि आजकल आदत है थोड़ी जल्दी सोने की। आज फिर से मैं लेट हूँ थोड़ा, 12 बज चुके हैं, तो जल्दी जल्दी सोते हैं और मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट गाइस। तो गाइस, आज सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई और अभी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है साइड से, बिल्कुल मस्त सा, और ठंडा ठंडा मौसम है सुबह सुबह का। टाइम 8 बजने वाले हैं। तो अब बनाते हैं एकदम बारिश वाली चाय, बोले तो मतलब बारिश हो रही है ऊपर से और ऐसे में बाहर पे ही बनाऊंगा मैं चाय। बस एक बार गैस जल जाए, दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें रात भर पानी गया हुआ है। जल जाओ भाई। ओ भाई लगता है ये ख़राब हो चुका है। काफ़ी मशक्क़त के बाद गैस तो जल चुकी है, अब रखते हैं चाय। बस दिख नहीं रही इसकी फ्लेम।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और बाहर पे हो रही बारिश। देख सकते हैं आप यहाँ से बाहर पूरे बादल दिख रहे हैं और भाई अब बारिश होनी स्टार्ट हो गई। तो अभी देख सकते हैं आप बाहर पे पूरा फॉग वाला वेदर हो चुका है फिर से और इस साइड में अपने सारा टेबल एबल है, साइड भीग चुका होगा, देख सकते हैं। वाह भाई, ओ भाई, ओ भाई, बर्तन भी ऐसे पड़े हैं। तो अभी इसको क्लीन करते हैं पहले, फिर मस्त से चाय पियेंगे। और पानी अंदर आ रहा है यहाँ से, इसको बंद करना पड़ेगा। तो अपनी चाय रेडी हो चुकी है और अब पीते हैं चाय। खुल जा भाई, खुल जा। चलिए तो अब पीते हैं चाय। टाइम देखते देखते 9 बज चुके हैं और अभी मुझे जाना भी है वापस, क्योंकि आज ही ये वीडियो मुझे अपलोड करनी है। तो बारिश तो अगर बंद होगी तो तभी जा पाऊँगा, क्योंकि बहुत दूर भी जाना है। वेट करते हैं, चाय पीते हैं तब तक। और हाँ, अपने ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और ब्लॉगिंग चैनल को भी साथ में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे नए चैनल और इंस्टाग्राम का। तो मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।